के नए चुनावों का धमाकेदार फैसला, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार फेल, गठबंधन के साथ खेल, मोदी ने जीत ली बाजी, केजरीवाल की खाट खड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए दो बुरी खबरें सामने आई हैं, जिसे सुनकर केजरीवाल की हालत खराब हो गई है। एक तरफ तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीएम साहब की नैया डूब गई है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले में गिरफ्तारी की तारीख पास आ गई है। इन दो खबरों ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। तो चलिए पहले चंडीगढ़ में फंसे केजरीवाल की खबर सुनाते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले, आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 17 वोट मिले। इंडिया गठबंधन का एक वोट इनवैलिड करार दिया गया। तो इसी के साथ बीजेपी ने सीनियर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। जैसे ही बीजेपी की जीत हुई, फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बौखलाना शुरू कर दिया। जिस तरह मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल कर गए, अब उसी तरह का फिर से आम आदमी पार्टी ने ड्रामा करने की कोशिश की। जैसे ही हारने की खबर मिली, वैसे ही मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आप और कांग्रेस के पार्षदों ने सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया, जिससे बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत गए। बीजेपी के कुलजीत संधू और रजिंदर सिंह मैदान में उतरे थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से गुरुप्रीत गाबी और निर्मला देवी प्रत्याशी थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ये चुनाव मेयर कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में कराया गया। मेयर चुनाव जीतने की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना गम डिप्टी मेयर और सीनियर और डिप्टी मेयर का पद हारने पर हो रहा है। खैर, अब मनमानी काम आने वाली नहीं है। तो चलिए अब सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव का गणित भी समझाते हैं। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक सांसद का वोट मिलाकर 36 वोट डाले जाते हैं। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 19 बैठता है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पास इस वक्त 19 वोट पड़े हैं। बीते दिनों 3 आप पार्षद पाला बदलकर बीजेपी में चले गए थे। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों की संख्या 20 से घटकर 17 रह गई। एक वोट आज इनवैलिड हुई है, दैट मीन समबडी हैज वोटेड अगेंस्ट। मेयर बना रहेगा कि आपको लगता है कि इट्स गोना बी अ शॉर्ट लिव्ड इलेक्शन, क्योंकि आर इन फेवर ऑफ बीजेपी नाउ? वेल, एवरीबॉडी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ बीजेपी व्हेन दे कांट गेट अ फुट इन, दे गो एल्सवेयर। That's what I would like to say. Isn't it obvious? Pure India mein all the people who are changing to BJP, such big Congress leaders have switched to BJP. Look what happened in Himachal Pradesh recently. Abhishek Manu Singhvi ji lost Rajya Sabha seat from there. So everybody is always in favor of BJP. BJP does their work honestly and does a lot of work. We have a prime minister jo din raat kaam karte hain, logon ke liye kaam karte hain, jo samaj ke you know jo shoshit peedit vanchit log hain unke liye kaam karte hain. To mujhe lagta hai ki everybody wants to join such a party. आंकड़े साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि आप कांग्रेस वोटों के मुताबिक हार रही है, लेकिन फिर भी बेवजह का बवाल काटा जा रहा है। फिर से वोटों में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। खैर, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए हो गया, क्योंकि मेयर चुनाव वाली चालबाजी तो यहाँ काम आएगी नहीं, क्योंकि मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की गलती की वजह से इन्होंने काफी हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए, आम आदमी पार्टी को जीत मिल गई, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी गलती मान ली थी। लेकिन अब चुनाव ठीक तरीके से हुआ है तो कैसे आम आदमी पार्टी नेताओं का झूठ काम आ सकता है? खैर, इस वक्त आम आदमी पार्टी में मातम पसरा हुआ है। इसी के साथ दूसरी बुरी खबर केजरीवाल पर शराब घोटाले में कसे शिकंजे को लेकर आई है। शराब घोटाले में कसा केजरीवाल पर शिकंजा, 8वें नोटिस को इग्नोर कर फंस गए सीएम साहब। अब 12 मार्च के बाद लगाइए ईडी के सामने हाजिरी। केजरीवाल बार बार ईडी के नोटिस को दरकिनार कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अभी तक ईडी सीएम को 8 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन जनाब कोई ना कोई बहाना बनाकर पेश नहीं हुए। लेकिन अब 8वें नोटिस को इग्नोर करना केजरीवाल को महंगा पड़ने वाला है, ये बात खुद केजरीवाल भी जानते हैं। इसलिए तुरंत छुटते ही खुद ने पेशी के लिए तारीख तय कर दी है। ऐलान किया है कि 12 मार्च के बाद कभी भी ईडी के सामने पेश हो सकते हैं।
तो अब जाहिर सी बात है केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन पास आ गए हैं। अब ऐसे में केजरीवाल ने ईडी को नोटिस का एक जवाब भी भेजा है और कहा है समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये मनमानी केजरीवाल को ले डूबने वाली है, क्योंकि अब ईडी ने भी तैयारी कर ली है। सबूत गवाह सब बयां कर रहे हैं कि केजरीवाल घोटाले में शामिल थे, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर केजरीवाल इतने ही ईमानदार हैं, तो क्यों ईडी के सवालों से बच रहे हैं, क्यों जवाब देने से डर रहे हैं? हालातों से लग रहा है जल्द ही दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक खेल खत्म होने वाला है, जनाब जेल के पीछे नजर आने वाले हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।